हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसटीआर पावर मॉड्यूल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि कौन सा पावर मॉड्यूल किस पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास तीन चार टाइप का पावर मॉड्यूल अभी आपके सामने रखा हुआ है। ये देख सकते हो, एक 4 वायर वाला जिसके अंदर प्रीसेट लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 पीस 5 वायर वाला जिसके अंदर कोई भी प्रीसेट नहीं लगा हुआ है, और एक यहाँ पे 3 वायर वाला यानी कि इसके अंदर से 3 वायर वाला निकला है, और इसी तरीके का एक 5 वायर का भी मिलता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो नहीं है, इस तरीके के बॉक्स के अंदर मिलेगा ये, लेकिन वो 5 वायर वाला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, किसी भी पावर सप्लाई के अंदर किसी भी पावर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात कि आप जो मॉड्यूल लगा रहे हो उस पावर सप्लाई का टाइप क्या है। मैंने आप लोगों को बताया पावर सप्लाई का 3 टाइप होता है, 3 और 4 टाइप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में पावर सप्लाई का लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने विस्तार से बताया कि किस किस टाइप का पावर सप्लाई होता है और किस टाइप का पावर सप्लाई कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देख सकते हो, ये एक डीजे लाइट का बोर्ड है और इसके अंदर ये पावर सप्लाई लगा हुआ था, और इस पावर सप्लाई के अंदर जो एसटीआर था यानी कि जो पावर ट्रांजिस्टर था वो ख़त्म, मतलब वो ब्लास्ट हो गया था, वो फूट गया था। तो उस सेम नंबर का जो आईसी है वो हमें नहीं मिल रहा था ट्रांजिस्टर मार्केट से, तो उसको ठीक करने के लिए हमें इस तरीके का जो पावर मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना पड़ा है। अगर आप देखना चाहते हो कि इस तरीके का पावर सप्लाई के अंदर, इसके अंदर से 3 वायर निकला है लेकिन सिर्फ मैंने 2 ही वायर इसके अंदर लगाया हूँ, और एक देख सकते हो ये मैं इसको छोड़ दिया हूँ, एक मतलब दो जो ब्लैक एंड जो रेड वाला वायर है उन दोनों को लगाया, और ये ग्रीन को मैंने छोड़ दिया हूँ। तो ये हमारा जो डीजे लाइट का पावर सप्लाई है वो ठीक हो चुका है। मेरे पास काफ़ी सारे डीजे लाइट आते रहता है, हर महीने में 2-3 आ ही जाता है, क्योंकि मेरे से कांटेक्ट किया हुआ है जो डीजे लाइट का जो भाड़ा देता है उन लोगों के साथ, तो जो भी ख़राब होता है मेरे पास से लेके आते हैं और हम इसको मतलब कम खर्चे में उसको रिपेयर करके दे देते हैं। तो इसका तो हाल हो गया कि जो 3 वायर वाला पावर मॉड्यूल है वो कहाँ पर लगाना है। उसके बाद बाड़ी आते हैं हमारा ये जो 4 वायर का प्रीसेट वाला एसटीआर पावर मॉड्यूल। इस तरीके का पावर मॉड्यूल आप इस तरीके का जो बोर्ड है एलसीडी एलईडी टीवी का जो बोर्ड है, इस टाइप का बोर्ड के अंदर आप ये लगा सकते हो, और इसको लगाने का भी वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने डाला था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। पहले तो मैंने डायग्राम करके आपको समझाया, उसके बाद इसको इंस्टॉल करके भी दिखाया। तो इस टाइप का अगर देख सकते हो, इसके अंदर भी मैं इस पावर मॉड्यूल को लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो आईसी था वो ब्लास्ट हो चुका है, तो इसके अंदर भी इसको लगा के रिपेयर करूंगा। उसके बाद अगर आपके पास इस तरीके का लगाना है तो पीएफसी जो पावर सप्लाई होता है, देख सकते हो ये एलईडी का पावर सप्लाई है जो कि पीएफसी है, तो इसके अंदर अगर आपको पावर मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, पावर मॉड्यूल लगाना है, तो आपको इस टाइप का पावर मॉड्यूल लगाना है। तो ये हमारा मेन पावर ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, तो इस पावर ट्रांजिस्टर को अगर खोल के निकालना फेंकना पड़ेगा, और उसके बाद इस तरीके का जो पावर मॉड्यूल है वो लगाना होगा। तो इसके अंदर किस तरीके से ये लगाऊंगा अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बहुत ही जल्द मैं वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से इस तरीके का जो पावर मॉड्यूल है वो लगाना है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहे तो ये जो 5 वायर का SMD STR पावर मॉड्यूल है, इसको भी आप इस तरीके का जो पावर सप्लाई है उसके अंदर लगा सकते हो, और मैं लगाता भी हूँ जिसके अंदर जो ओरिजिनल कंपनी होता है उसके अंदर मैं लगाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इन जो तीनों के तीनों है, मैं आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। एक में है प्रीसेट वाला लगा हुआ है, एक में प्रीसेट नहीं है, और प्रीसेट और नॉन प्रीसेट वाला जो पावर मॉड्यूल होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सभी लोगों को नहीं पता होगा शायद। तो देख लीजिए, ये जो हमारा प्रीसेट वाला मॉड्यूल है, अगर किसी कारण के वजह से यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आ गया इनपुट पर या आउटपुट पर शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके वजह से अगर ये हमारा प्रीसेट ओपन हो जाए मतलब कनेक्शन टूट जाए, तो क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज होता है, इसका जो हाई वोल्टेज अगर मान लीजिए
इस पावर मॉड्यूल के हमें आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए और हमने इस प्रीसेट के जरिए 12 वोल्ट सेट करके रखा हूँ। लेकिन ये जो हमारा प्रीसेट है वो ख़राब हो गया और इसके अंदर से मैक्सिमम जो वोल्टेज है 25 वोल्ट, यानी कि आपको सभी लोगों को पता होगा 24 वोल्ट मिनिमम 5 वोल्ट और मैक्सिमम 24 वोल्ट। तो अगर किसी कारण के वजह से ये हमारा ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा जो 24 वोल्ट है वो हमारे आउटपुट में चला जाएगा, जिसके बाद हमारा जो सारे के सारे जो बोर्ड है आउटपुट में लगा हुआ है वो सारे के सारे भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसका बहुत ही आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है, आपको ध्यान में रखना होगा इसको आप कहाँ पे लगाना है। अगर ज़्यादा महंगा चीज़ हुआ तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसको लगाना है। और इसका एडवांटेज यही है कि ये अगर कहीं पे भी लगाओगे जितना वोल्टेज आउटपुट में चाहिए होगा उतना वोल्टेज ही आउटपुट में निकलेगा अगर इसको लगाओगे तो। दोस्तों आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा पावर मॉड्यूल किसके पावर सप्लाई के अंदर लगाना है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।